भारत के दक्षिण पश्चिम में तटीय राज्य केरल, काली मिर्च, छोटी इलायची, दालचीनी, यहाँ के बेहतरीन मसालों की बदौलत केरल सदियों से एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र रहा है। इसकी पहचान दक्षिण भारत के एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी है। दिखने में अष्टमुडी झील कम और नदी ज्यादा लगती है। अष्टमुडी के किनारे बसा है कोल्लम जिला। 14वीं शताब्दी में चीनी यात्री इब्ने बतूता के कदम भी यहां पड़ चुके हैं। यहां जीवन की रफ्तार अष्टमुडी की लहरों से मध्यम है और उतना ही विस्तार लिए हुए। कोल्लम केरल राज्य के उन जिलों में से है जहां मानव संसाधन विकास की दर श्रेष्ठ है। 1991 में केरल संपूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो गया, पर कई लोग अक्षर ज्ञान के आगे न बढ़ पाए। साक्षरता और जीविका अर्जन के बीच की कड़ी बना राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का सतत शिक्षा कार्यक्रम। सतत शिक्षा यानि शिक्षा का एक निरंतर चक्र जो कि समुदाय को अपना जीवन बेहतर बनाने के अवसर प्रदान करता है। 1998 में केरल पहला राज्य था जिसके सभी 14 जिलों में सतत शिक्षा कार्यक्रम की गतिविधियां शुरू की गईं। आज केरल में तकरीबन 4000 सतत शिक्षा केंद्र मनकों की तरह शिक्षा की लड़ी को सहेजे हुए हैं। नॉट ओनली इन कोल्लम, ऑल थ्रू केरला द कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम हैज बीन इंप्लीमेंटिंग थ्रू पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। केरला इज द ओनली स्टेट वेयर द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इंप्लीमेंटिंग कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम। Even the continuing education centers have been allocated to Panchayat Raj institutions. In every gram panchayat, we have 3 continuing education centers. At block level, we have 2 nodal continuing education centers. Then at district level, each district we have 2 model nodal continuing education centers. These CECs at each level is supervised, controlled, headed by the head of the panchayat at each level. ഒരു ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നാളെ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ പഠിച്ചില്ലേ? രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ 2. ഉമ്ര കിത്നി ഭീ ഹോ, ഇസ് കക്ഷാ മേ സബ്കാ ദർജാ വിദ്യാർത്ഥി കാ ഹൈ। चेक्कुट्टुकोनम सतत शिक्षा केंद्र के ज्येष्ठ विद्यार्थी की उम्र है 89 साल। योहन्नन 7वीं कक्षा की समतुल्यता परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ സ്വല്പം പിന്നെ എല്ലാറ്റിനും സ്വല്പം പ്രയാസമുണ്ട്, പഠിക്കാനുള്ള പ്രയാസം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്നു. മറ്റ് അസുഖം കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചില്ല, സുഖമില്ലായിരുന്നു. നേരത്തെ സുഖമില്ലായിരുന്നു, വീട്ടിലും നല്ല സുഖമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അപ്പനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്, അങ്ങനെ ഞാൻ പോയില്ല. ഇപ്പോൾ സുഖമായി പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു. ചില ചിലക്കെ കണക്കൊക്കെ തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ട്, ചിലക്കെ കണക്ക് ശരിയാവുന്നുണ്ട്. അത് പഠിക്കാൻ തിരക്കേടാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പം വിചാരിക്കുന്നു. അന്ന് എനിക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം വന്നില്ല, ഇപ്പോഴും പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമൊന്നും
പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. कोल्लम जिले में अन्य जिलों से कहीं ज्यादा नवशिक्षितों ने समतुल्यता कार्यक्रम में दाखिला लिया. इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थी तीसरी, चौथी, सातवीं और दसवीं कक्षा की परीक्षा दे सकते हैं. इस अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली से कई लोग अपनी योग्यता बढ़ा रोजगार पा सकते हैं. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വിദ്യാ കേന്ദ്രത്തിലേക്കൂടെ ഒ ലെവൽ പരീക്ഷ പാസ്സായവർക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ആദ്യമായി ഷീജ വിജയനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. ഷീജ ഹാസ് സെക്യൂർഡ് 414 മാർക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് 600. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. शीजा ने सातवीं पास की थी 11 साल पहले. आर्थिक अभाव के कारण वो आगे न पढ़ पाई, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ने की ललक उसे कुरेदती रही. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के समतुल्यता कार्यक्रम ने उसे मौका दिया शिक्षा की एक और सीढ़ी चढ़ने का. शीजा की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसकी फीस का खर्च उठाया पट्टारी की पंचायत ने. शिक्षा धन को साधनहीन की पहुंच में लाने में केरल की पंचायतें अहम भूमिका निभा रही हैं. ये है ओणम त्योहार से जुड़ा नृत्य तुम्बी तुल्लल. ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം शिक्षा और जीविका अर्जन से जुड़े प्रशिक्षण के साथ साथ व्यक्तिगत रुचि को भी सतत शिक्षा कार्यक्रम के तहत बढ़ावा दिया जाता है. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की साक्षरता की परिभाषा भी संकीर्ण नहीं है. इसमें हमारी सांस्कृतिक विरासत और लोक विधाओं का अपना स्थान है. लोक कलाओं को जीवित रखने और लोकप्रिय बनाने के लिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट प्रमोशन प्रोग्राम के तहत इन कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है. शीजा के पति विजयन ने भी इस वर्ष ए लेवल का समतुल्यता का इम्तिहान दिया है. खेती से गुजारे लायक आमदनी न होने पर दोनों अपनी योग्यता बढ़ाकर रोजगार तलाशना चाहते हैं. ക്ലാസ്
सतत शिक्षा केंद्रों पर चलाए जा रहे हुनर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य है जीविका अर्जन करने में स्थानीय समुदाय के हाथ मजबूत करना, चाहे हस्तशिल्प हो या फिर लोक कलाएं। सतत शिक्षा कार्यक्रम से समुदाय के सभी वर्गों के लोग जुड़े हुए हैं। कोल्लम जिले में बड़ी संख्या है काजू फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की। दो वक्त की रोटी जुटाने में इनका ज्यादातर समय चला जाता है, पर साक्षर होने की इच्छा इन्हें सतत शिक्षा केंद्र तक खींच लाती है। हर रविवार इनकी 2 घंटे की कक्षा होती है। बस का नंबर पढ़ पाना, पैसे का हिसाब किताब रखना और परिवार के छोटे बच्चों की मदद करना, देर से ही सही शिक्षा का फायदा इन्हें हो रहा है। विगत 7 वर्षों से इस वर्ग के समतुल्यता कार्यक्रम का खर्चा ग्राम पंचायत उठा रही है। समुदाय के उत्साह को देखते हुए यहाँ की उम्मनूर ग्राम पंचायत ने इस सतत शिक्षा केंद्र को उसकी अपनी इमारत दी, साथ ही बाहरी दीवार, पीने के पानी के लिए कुआं और शौचालय का भी प्रबंध किया। इमारत खड़ी हो गई तो उसमें प्रशिक्षार्थियों के बैठने के लिए कुर्सी मेज इत्यादि के लिए 2 लाख रुपए मंजूर किए गए। आर्थिक सहयोग और आधारभूत ढांचा मुहैया कराने से पंचायत का काम पूरा नहीं हो जाता। समय समय पर पंचायत के प्रतिनिधि अन्य अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय से मिलकर केंद्र की गतिविधियों का जायजा लेते हैं। आज यहां हुनर विकास के लिए कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। प्रशिक्षण पाने के लिए शहर जाना हर महिला के लिए संभव नहीं। यहां प्रशिक्षण के लिए जिला पंचायत ने दी 5 सिलाई मशीनें और कढ़ाई करने की मशीन। अपने गांव के सतत शिक्षा केंद्र में प्रशिक्षण पाना प्यासे तक कुआं चलकर आने जैसा है। जहां सतत शिक्षा केंद्र स्थानीय समुदाय के मित्र, हितैषी और मार्गदर्शक हैं, वहीं ये सतत शिक्षा कार्यक्रम के आंख और कान भी हैं। यहाँ की प्रेरक शीजा लगभग 1 दशक से इस केंद्र से जुड़ी हुई हैं। उनका विश्वास और लगन समुदाय को केंद्र से जोड़ता है। 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शीजा कोई भी बेहतर वेतन वाली नौकरी कर सकती थी, पर उनकी कर्मभूमि है चेक्कुटुकोनम का सतत शिक्षा केंद्र। प्रोत्साहन के तौर पर पंचायत की तरफ से
शीजा को 600 रुपए का अतिरिक्त मानदेय मिलता है। शीजा जैसे प्रेरक इसे काम नहीं समझते, वे तो समाज के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। मानदेय की राशि कम होने पर भी इनका उत्साह कम नहीं होता। समुदाय से अपने जुड़ाव की बिना पर कई प्रेरक स्थानीय निकायों में निर्वाचित भी हो चुके हैं। सतत शिक्षा कार्यक्रम को मजबूती देते हैं पंचायती राज के तीनों स्तंभ। इनकी मदद से कोल्लम जिले ने सतत शिक्षा के नए आयाम तलाशे। पंचायती राज अधिकरण के अनुसार सतत शिक्षा कार्यक्रम जिम्मेदारी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की। वी हैव अ सपोर्ट ग्रुप और लिटरेसी मिशन कमिटीज एट ईच लेवल। एट द स्टेट लेवल द केएसएलएमए इज कंट्रोल्ड बाय ए रजिस्टर्ड सोसाइटी which is an executive committee headed by the Chief Minister of Kerala. There is a General Council and an Executive Committee. General Council is headed by the Chief Minister, while the Executive is headed by the Education Minister of the state. The Executive looks after the day-to-day affairs of the KSLM, Kerala State Literacy Mission Authority. It is an authority, it is an autonomous body registered under Charitable Societies Act in Kerala. Then each district literacy missions are functioning under the direct supervision and guidance of the state literacy mission. Each district, there is a district executive committee, which is headed by the president of the district panchayats. At block level, we have block literacy mission headed by the block president. At gram panchayat level, the Sakshrata Samadhi, which is called in Malayalam Sakshrata Samadhi, that is means literacy body, headed by the Gram Panchayat President. Then in the center based committee is headed by the Panchayat member of the ward in which the CEC is situated. But these committees are constituted on the basis of a specific order issued by the government. So the education department attaches much importance to the literacy and continuing education program in Kerala. 1991 April masathil nammada samsthanathe sampurna saksharatha nediya samsthanamayi annu government prakhyapikkundayi ennal polum pale karanangalal nammada samuhathil ninnum vidyabhyasam thodarade podu vidyabhyasa thariyil ninnum purathu poyindu vannittulla niravadi aalukal 4am class ne tatulyamaya പരീക്ഷ അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒന്നാം ഘട്ട തുല്യതാ പരീക്ഷ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പദ്ധതി നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാ അംഗങ്ങളിലും എല്ലാ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ക്ഷണിക്കുകയാണ്. 4ാം ക്ലാസ് തുല്യത നേടാത്ത ഒരാൾ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള വളരെ അടിയന്തിരമായ ഒരു പരിപാടിക്ക് രൂപം നൽകണം. പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ആ നിർദ്ദേശത്തോട് പൂർണ്ണമായും യോജിക്കുകയാണ്. അതിന് എത്ര വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും അത് അധികമല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മയുടെ തുടക്കം 90s ആരംഭിച്ച സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനമാണ്. സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷര കേരളം പരിപാടിയിലൂടെയാണ് മുഴുവൻ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകളും പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് വന്നത്. അതിനു മുമ്പ് പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊല്ലം ജില്ലയിലേ യേ ഹേ ജില്ലാ സാക്ഷരതാ മിഷൻ കി അപ്നി ഇമാരത്ത്. सिर्फ केरल राज्य में ही नहीं, ये पूरे भारत में एकमात्र ऐसी इमारत है जो जिला साक्षरता मिशन की निजी संपत्ति है। ये नतीजा है जिला पंचायतों, 13 ब्लॉक पंचायतों, 71 ग्राम पंचायतों और नगर निगम की वित्तीय भागीदारी का। इस इमारत से झलकती है समाज की साक्षरता के प्रति वचनबद्धता। आज यहां जिला साक्षरता मिशन के दफ्तरों के अलावा एक मॉडल नोडल सतत शिक्षा केंद्र चल रहा है।
यहाँ कई तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है और समतुल्यता कार्यक्रम की कक्षाएं भी होती हैं। सिलाई और कढ़ाई, किताबों की जिल चढ़ाना और कंप्यूटर प्रशिक्षण, इन सभी प्रशिक्षणों का उद्देश्य एक है, समुदाय में स्वावलंबन का बीज बोना। यहाँ के कर्मचारियों और आगंतुकों की सुविधा के लिए वनीता कैंटीन चलाई जाती है। एक नोडल प्रेरक द्वारा चलाए जाने वाली इस कैंटीन में 10 औरतों को रोजगार मिलता है। कोल्लम जिले में आमदनी अर्जन करना कोई मुश्किल काम नहीं, जरूरत है बाजार की मांग को समझना और उसके अनुसार प्रशिक्षण देना। ये काम नेताजी सतत शिक्षा केंद्र बखूबी कर रहा है। कोल्लम शहर के पास होने के कारण इस केंद्र में बनी कॉपियों और लिफाफों की खपत शहर के बाजारों में आसानी से हो जाती है। इस छत के नीचे बुक बाइंडिंग, सिलाई, कढ़ाई और मधुमक्खी पालन जैसे जीविका अर्जन से जुड़े प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। इन सभी प्रशिक्षणों का खर्च उठाती है थोड़ी दूर की ग्राम पंचायत। नेताजी सतत शिक्षा केंद्र का यह पुस्तकालय स्थानीय समुदाय को जोड़ता है बाहरी दुनिया से। लोग पुस्तकालय आते हैं तो केंद्र से कई जनहित की योजनाओं का सूत्र भी पाते हैं। मारारी सुदन गिरिजात्म जयाम पार्वती नंदन गणनद मारारी सुदन गिरिजात्म जयाम पार्वती नंदन गणनद मारारी सुदन विक्षाली करुंगुन दूर दराज ग्रामीण इलाकों में समुदाय शहरी जीवन की भागदौड़ से अपरिचित है। उनकी जीवन शैली के अनुसार ही उनके रुझान है। परम कोदू में बसी जनजाति वाद्य बजाने में निपुण है और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखे हुए है, लेकिन युवाओं में इन लोक कलाओं के प्रति उतना आकर्षण नहीं है। अगर युवा वर्ग कथकली, मुडियाट्टम और तैयम जैसी लोक कलाओं में पारंगत हो जाए तो इनका प्रदर्शन कर जीविका अर्जन करना कोई मुश्किल काम नहीं। इस परिप्रेक्ष्य में परम कोदू की पंचायत ने लोक कलाओं में प्रशिक्षण के लिए 50,000 रुपए की राशि दी है और साथ ही दिए सतत शिक्षा केंद्र की इमारत बनाने के लिए 1,00,000 रुपए।
शिक्षा सबके लिए सदा के लिए। सतत शिक्षा कार्यक्रम का चक्र निरंतर समाज की विविध धाराओं के उत्थान के लिए कार्यरत है।